अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। न्यू टीमा हॉस्पिटल में विधायक अतुल प्रधान विवाद के बीच IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जहां मेरठ के सभी प्राइवेट अस्पतालों को अनाप शनाप बिल बनाने के आरोपों से क्लीन चिट दे दी है, वहीं यह भी कहा है कि दवाओं की MRP सरकार तय करती है, चिकित्सक नहीं। वहीं आज firstbite.tv ने दवा व्यवसाय से करीब 40 साल से जुड़े गोपाल अग्रवाल से इस बारे में तफ्तीश से वार्ता की तो कुछ ऐसा निकल कर सामने आया जिसे सुनकर और देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। गोपाल अग्रवाल ने दावा किया कि आजकल MRP में 300% तक इजाफा कर चुनिंदा मेडिकल स्टोर पर दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जन औषधि केंद्र खोलने के पीछे भारत सरकार की मंशा थी कि आम जन को सस्ती दवा व सस्ता इलाज मिले, लेकिन यह भी नहीं हो पाया है। सरकार को दवा की कीमत नियंत्रित करनी चाहिए। आइए पहले देखते हैं क्या कहा है IMA सचिव डॉक्टर तरुण गोयल ने। एक ऐसी भी जानकारी आ रही है सामने लोगों के द्वारा कि जो दवाइयाँ बाहर सस्ती मिल रही है वो मतलब हॉस्पिटल्स में जिन डॉक्टर्स के यहाँ वो महंगी मिल रही हैं। मैडम, इसके लिए एक प्रक्रिया है कानूनी। अगर किसी मरीज को कोई शिकायत है तो वो CMO ऑफिस जाए और वहाँ पर कंप्लेन दर्ज करा सकता है। तो कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसा कि मतलब मुझे मेरी जानकारी में है कि वो दवाई डॉक्टर के अलावा कहीं मिल नहीं सकती, सिर्फ डॉक्टर के। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर अपनी दवा अपने आप बना रहा है, वो एक कानूनी प्रक्रिया द्वारा किसी एक नाम से रजिस्टर्ड होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको लाइसेंस दिया होगा और उसकी MRP भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ही है। वो कोई किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है कि उस पर वो 100 रुपये की जगह 200 रुपये छाप देगा। वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत है। अब अगर कुछ लाख दवाइयाँ मार्केट में हैं, उसमें से हर दवा हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ये प्रचारित करना कि डॉक्टर ने अपनी दवा अपने स्टोर पर रखी है, बिल्कुल गलत है। अब सीधे रुख करते हैं दवा व्यवसायी गोपाल अग्रवाल से हुए साक्षात्कार की ओर। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान और न्यूट्रिमा हॉस्पिटल के बीच छड़े जंग अब बहुत लंबी होती नजर आ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि दवाओं के अनाप शनाप बिल बनाए जा रहे हैं और नर्सिंग होमों में लोगों को लूटा जा रहा है। साथ ही यह भी दवा बन रहा है कि जो दवाएं वहां से ली जानी है पेशेंट के लिए वो केवल जो नर्सिंग होम स्थित मेडिकल स्टोर है केवल वहीं से खरीदे जाए। हालांकि मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात से इनकार किया है कि मरीजों पर इस आशय का कोई दबाव नहीं है। आज एक लंबे समय से इस व्यवसाय से ड्रग एसोसिएशन से जुड़े गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। उनसे इसी मुद्दे पर बातचीत की जाएगी कि कैसे मरीजों को, तीमारदारों को और या फिर चिकित्सकों के भी हितों का पूरा ख्याल रखा जाए, उसमें कहीं पर कुछ ऐसा ना हो जिससे आज की डेट में जो टकराव की स्थिति पैदा हो गई है वो ना हो। स्वागत है गोपाल जी आपका। मैं ये जानना चाहूँगा कि IMA के सेक्रेटरी ने कल ही कहा है firstbite से कि ऐसा जो आरोप लग रहे हैं कि दवाओं के दाम में अनाप शनाप हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? वर्तमान प्रकरण में राजनीतिक दल के विधायक क्या कहते हैं और डॉक्टरों का क्या स्पष्टीकरण है, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं इस मुद्दे को शुरू से पकड़ दूंगा। राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक समाधान दिया था जन औषधि के नाम से, और जन औषधि में जो दवाएं बेचने की प्रक्रिया आरंभ हुई थी उनकी कीमतें काफ़ी कम रखी गई थी। और ये मुद्दा फेल क्यों हुआ? क्योंकि मरीज डॉक्टर पे विश्वास करता है और डॉक्टर ये कहे कि देखो भाई, मरीज ने कहा कि जन औषधि में हम ले लें, तो डॉक्टर कहे भाई तुम्हारी मर्जी है, देखो भाई फिर मेरे इलाज की गारंटी नहीं है, तो मरीज हिचक जाता है। कुछ भी करे, मरीज के सामने स्थिति ये रहती है तामीरदार और रोगी होता है कि डॉक्टर ने जो लिख दिया है वो बिल्कुल पवित्र और इस समय उसके जीवन को बचाने का सबसे मतलब एक ही तरीका है, तो वो अपने चाहे घर में कुछ भी सामान बेचे उसको खरीदना पड़ता है। अब मुद्दा आता है दवाओं की कीमत का। हम लोग खुद, और आपको आश्चर्य होगा कि दवा व्यापारी ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, हर सरकार से कहते आए हैं कि दवाओं की कीमत को कम करो, ये कीमतें कम हो सकती हैं, यह मतलब कोई ऐसा नहीं है। और आजकल का अगर मैं चलन बताऊं तो आजकल आप देखिए दवाओं में नहीं, कंप्यूटर का सामान हो या कोई भी चीज़ हो, MRP बहुत अनाप शनाप लिखने का चलन चल गया है। और जहां कंज्यूमर को मौका लगता है जितना लूटा जा सकता है उतना मार्केट में लूटा जाता है।
ये चलन बंद होना चाहिए। इसके एक समाधान मैं आपको बिल्कुल दे रहा हूँ, और ऐसा समाधान है जो सही हिट करेगा। हिट हमारी चीज उस जगह करनी चाहिए जहां समस्या हो। हिट क्या है कि दाम बांधो, सरकार हर वस्तु के दामों को निश्चित कर दे, या फिर दवा के ऊपर आते हैं तो दवा में इस समय लोग कहते हैं कि साहब दुगने तिगने दाम है। मैं कह रहा हूं दुगने तिगने दाम नहीं है, 20 रुपए की दवा के ऊपर 400 रुपए प्रिंट करा रहे हैं तो ये दाम दुगने तिगने नहीं है, ये खुली लूट है। अब क्या हो रहा है, अब प्रकरण ये मतलब अब स्थिति यहां तक आ गई है कि डॉक्टर अपना खुद का दवा बनवाना शुरू कर दिया है। पहले दवा कंपनियां दवा बनाती थी, मार्केट में देती थी, होलसेलर को कमीशन देती थी, रिटेलर को कमीशन देती थी, और वो दवा बेचते थे एक निश्चित कमीशन के अंतर्गत। अब डॉक्टरों को जो कुछ लेना देना होता होगा उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, वो कंपनियों से उनका क्या होता होगा। पर अब क्या हो रहा है, चिंता की बात यह हो रही है कि जब हम 200% 300% मूल बढ़ा के दवा के ऊपर लगते हैं और डॉक्टर वही दवा लिखता है, और डॉक्टर वो दवा बाजार में बिकने नहीं जाती, डॉक्टर के क्लिनिक के मेडिकल स्टोर में वो दवा मिलती है, बाहर मिलती भी नहीं है, मजबूरी में मरीज को वहां से खरीदनी है, तो इसका कोई इलाज और नहीं है। सरकार सीधे हस्तक्षेप करे और दवाओं की कीमत मैं तो सजेस्ट करता हूं कि 1.5 गुना रख दीजिए, दवा में नहीं सभी जगह लागत से 1.5 गुना बहुत ज्यादा है, 2 गुना। आप क्यों उनको छूट देते हैं कि जिस वस्तु पर जितना चाहो अपने मन के माफिक निर्माता प्रिंट लिख के दे दे, और प्रिंट ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं बार्गेनिंग होगी और लूटा तो जाएगा ही। दवाओं के मामले में दवाओं में एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि दवा स्वयं नहीं खरीदी जाती, दवा किसी आराम के लिए नहीं खरीदी जाती, निजी लाभ के, दवा उपचार के लिए खरीदी जाती है, और ये बहुत ज्यादा एसेंशियल चीज है। दवा के दामों की कीमत सरकार को बहुत सख्ती के साथ नियंत्रित करने चाहिए, और 1.5 गुना नहीं तो बहुत, अगर ज्यादा है तो 2 गुना, यानी कि अगर लागत 1 रुपया है तो उसको 2 रुपये में उपभोक्ता को मिल जानी चाहिए। आज की तरह वो लूट नहीं होनी चाहिए, और ये लूट ही अस्पतालों की सबसे बड़ी लूट बन गई है। अब हर अस्पताल हर बढ़िया प्रैक्टिस का डॉक्टर देखिए अपवाद है, ये मैं पुणे के दोहरा रहा हूँ, अपवाद है, बहुत डॉक्टर ऐसे हैं कि जो इन पछड़े में नहीं पड़ते, पर चलन ऐसा होता चला जा रहा है कि लोग अपनी दवा बना रहे हैं, अपने काउंटर से बेच रहे हैं, और उनमें मन के मुताबिक जितना चाह रहे हैं मुनाफा ले रहे हैं, और इसी बात पर हमें सख्त आपत्ति है, हमें यही हिट करना चाहिए। IMA के सेक्रेटरी ने बिल्कुल साफ कहा है कि दवाओं का मूल्य सरकार तय करती है। दवाओं का मूल्य नेशनल प्राइसिंग अथॉरिटी तय करती है, वो एक मैक्सिमम प्राइस तय कर देती है, पर वही हम दोहराना चाह रहे हैं कि उसी दवा का मूल्य सरकार तय करती है, परंतु उसको अनलिमिटेड होता है, 200%, 300%, 400%। मैं ऑडिट की बात कर रहा हूं, अब किसी भी सरकारी अस्पताल में प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी परचेज कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट बड़ा आसान है, किसी भी विभाग के ऑडिटर को भेज के उसकी जांच करा ली जाए कि कितने में आपने दवा खरीदी और कितने में बेची, कोई मूल्य निर्धारण कौन कर रहा है इस बात को छोड़ दो, और उसके बीच में कितना गैप है वो आप देख लीजिए, और वो गैप मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं कि आपको 200% से कम नहीं। एक आम धारणा ये भी है कि जो डॉक्टर जिस दवा को लिखता है वो केवल उसी के मेडिकल स्टोर पर मिलती है, इसके पीछे क्या कारण है? अगर बाहर के लिए लिखेगा तो एक तो दवा मिलेगी नहीं, क्योंकि उसने अपना ब्रांड नेम देकर दवा की मैन्युफैक्चरिंग सेम कराई है। दूसरा, अगर वो दवा बाहर मिल जाएगी तो दवा की कीमत तो मैंने बताया ना, दवाई की कीमत तो बहुत कम है, मान लो 1 रुपया है और डॉक्टर उसको 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये में बेच रहा है, तो बाहर तो वो दवा मिल जाएगी 2 रुपये में, 3 रुपये में, 4 रुपये मिल जाएगी, डॉक्टर को क्या लाभ हो दवा को लिखने का? फिर तो डॉक्टर ब्रांडेड कंपनी की दवा लेके वो ज़्यादा उसके लिए बेहतर है। और मैं ब्रांडेड का समर्थक नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ कि दवाओं से ब्रांड बिल्कुल हट जाए, दवाओं को जेनरिक नेम से बेचा जाए। हाथी कमीशन की रिपोर्ट है कि दवाओं की बिक्री जेनरिक नेम में होनी चाहिए, पर डॉक्टर विरोध करते हैं। IMA इन मेडिकल काउंसिल का सर्कुलर भी है कि आप दवा के साथ में उनका साल्ट का नाम भी लिखें, जिससे कि मरीज अपनी पसंद से सस्ती दवा खरीद ले, पर डॉक्टर जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, दिल से नहीं चाहेंगे, ये स्कीम सफल नहीं हो सकती। ये थे हमारे साथ गोपाल अग्रवाल जी, इन्होंने सभी सवालों के बहुत बखूबी जवाब दिए हैं, और बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि सरकार को दवाओं की कीमत पर हस्तक्षेप करना चाहिए और निर्धारण करना चाहिए, उसे किसी की भी मनमानी के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट। नमस्कार।